हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर रेसिपी लेके। आइए इसे देखिए और सीखिए और अपने परिवार में इसे बना के खाइए। आइए दोस्तों, राजकीय किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं कमला के किचन में गुड़गांव और भाई बलवंत के साथ। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक और ख़ास रेसिपी बलवंत के सासू माँ के लिए मटन कोरमा। और ये जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई है, यदि आपने नहीं देखी तो आप पीछे हमारे देख सकते हैं वीडियो। ये है पत्थर फूल। ये पहाड़ों में बहुत ही आसानी से मिलता है, लेकिन ये शहर में ये खरीद के लेके आए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है जावित्री, और ये हमारे पास है बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च और दालचीनी के टुकड़े, और ये हमारे पास है जायफल, और ये हमारे पास है तेज पत्ता, ठीक है। तो हमारे मटन धुल चुका है। कभी भी मटन को आप ज़्यादा ना धोएं, और ना ही इसको पानी में रखें, और ना ही इसको ज़्यादा आप धोएं, क्योंकि इससे जो अगर ज़्यादा आप इसको पानी में रखेंगे या धोएंगे ना, इसका जो स्वाद होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो हल्के से पानी में बहाव के साथ, जैसे हमने अभी किया, इस तरह से इसको हमेशा धोना है। कई लोग ऐसा करते हैं ना, मटन बनाने से पानी में डुबा के रखते हैं, वो डुबाने से उसका फ्लेवर एकदम चेंज हो जाता है। तो कम पानी में हमेशा इस तरह से इसको धोएं। फ्राई हो चुका है ये, हम इसको हम निकाल देंगे। इसका इस्तेमाल हम आपको बाद में बताएंगे। तो इस तरह से आप इसको सारा निकाल सकते हैं। अब ना इसमें इसको हम मटन को भूनेंगे, खूब अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे, जो मटन का स्वाद आता है ना कोरमे का, और तो भूनने में ही आता है इसको। हम इस तरह से स्टॉक निकाल दिया है, और अब हमारे पास ये बचा है, और इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भूनेंगे फिर। ये जितना ज्यादा भूनेंगे इसमें उतना और ज्यादा स्वाद आएगा। अब इसमें ऐसे हम डालेंगे ये टमाटर प्यूरी। ये
तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस सुंदर रेसिपी को ख़त्म किया और अपने परिवार के साथ इसे एंजॉय करने के लिए हमने इसे पेश किया। थैंक यू दोस्तों सुंदर वीडियो देखने के लिए।